नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से कमेंट किया आपने। दीपाली यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीम जी, सुषमा शर्मा जी, पूजा तिवारी जी, प्रतीक जी, तुलसी जी, उपदीप जी, श्रीम जी, कविता जी, कंचन लता जी, पटेल धीरू जी, पूजा तिवारी जी, दिलखुश जी, अर्चना ठाकुर जी, प्रीतम पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज बात करते हैं हम निर्गुण धारा के ज्ञान शाखा से। आज का वीडियो आप अच्छे से सुन लीजिएगा। कल से मैं जब वीडियो लेकर आऊँगी तो आज की वीडियो से कल मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका आपको कमेंट देना होगा, जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में देना होगा, ताकि आप ध्यान से पढ़ें और मुझे भी पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज बात करेंगे। कबीरदास जी के बारे में आपने सभी ने कुछ ना कुछ सुन रखा होगा। चलिए आज देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास जी के बारे में क्या विचार रखते हैं। ठीक है, कबीरदास जी, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, है ना। रामानंद जी का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी विधवा कन्या को स्वामी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। फल ये हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार को संवत 1456 में माना जाता है। 1456 आप सभी को याद होगा, बचपन से पढ़ रहे होंगे। 1456 कबीरदास जी का जन्म हुआ था, पूर्णिमा आपको याद ही रहेगा। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीरदास जी में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी। मतलब शुरू से ही है, जब बचपन से ही दिखाई देने लगा था कि जो वो पूजा करते थे, वो भले वो उनका पालन पोषण मुस्लिम जुलाहे के घर हुआ था, लेकिन उनकी जो पूजा की प्रवृत्ति थी वो हिंदुओं की तरह थी, और जिसे उसके पालने वाले माता पिता ना दबा सके। फिर राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लिया करते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय रामानंद जी का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। मतलब अगर इस बात को देखें तो बालक में कहीं ना कहीं से कुछ सोर्स आएगा ना, कहीं ना कहीं से तो वो प्रेरणा ग्रहण करेगा। तो ये उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय रामानंद जी का प्रभाव समाज में बहुत बढ़ गया था और उन्होंने छोटे बड़े ऊंच नीच सबको बराबर से संतुष्ट किया था, तृप्त किया था। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ गया हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब जब पूरे समाज पर ही रामानंद जी का उस समय प्रभाव था, तो अगर कबीरदास जी पे भी बचपन में अगर उनका प्रभाव पड़ा होगा तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। रामानंद जी के महात्म को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। अब ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। मतलब जिस घाट पर रामानंद जी स्नान करने जाते थे, उस पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर कबीरदास जी लेट गए। अब सीढ़ी पर लेट जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब अंधेरे में रामानंद जी उतरे तो उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ गया, है ना। स्नान में जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। मतलब काम तो वो किसका करते थे, जुलाहे का, लेकिन सत्संग किसका रखते थे, साधुओं का। मतलब उनका साधुओं के साथ उठना बैठना था। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं, जो कबीर पंथी हैं उनमें मुस्लिम भी शामिल है। और वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी और वह सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है जो मुस्लिम्स हैं वो फकीर शेख तकी को कबीरदास जी का गुरु मानते हैं।
वे उस सूफी फकीर को ही वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। प्रारंभ से ही कबीर हिंदू भाव से उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य ही उनके सत्संगों में भी सम्मिलित होते रहे होंगे, क्योंकि बचपन से ही उनका लगाव ही था हिंदू उपासना की तरफ। तो जब रामानंद जी के जहाँ सत्संग होते होंगे, वहाँ पे वो जरूर शामिल होते होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज शिष्य परंपरा का होते हुए भी रामानंद जी की भक्ति एक अलग उदार मार्ग भक्ति का एक अलग उदार मार्ग आगे कहा जाएगा कि रामानुज की शिष्य परंपरा का होते हुए भी जो रामानंद जी थे, वो भक्ति का एक उदार मार्ग निकाल रहे थे। उदार मार्ग का मतलब जिसमें जो जात पात या छुआछूत ये सब कुछ शामिल नहीं था, वो सभी वर्गों को अपना शिष्य बनाते थे। ठीक है, तो ये एक उदारवादी मार्ग था। हालांकि वो रामानुज के शिष्य थे, लेकिन फिर भी रामानंद जी भक्ति में बहुत उदारवादी थे, जिसमें जात पात का भेद और खान पान का आचार जिसने जात पात का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया था। मतलब पहले लोग जैसे किसी खास का छुआ खाते नहीं थे, या जात पात बहुत ज़्यादा समाज में ये गंदगी बढ़ गई थी, तो रामानंद जी ने उन लोगों के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उन्होंने अपनी भक्ति में अपने शिष्यों में सभी को जगह दी। ठीक है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। पर आगे चलकर कबीर के पर आगे चलकर राम रामानंद के राम से कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। मतलब राम का नाम की दीक्षा तो उन्होंने रामानंद से ही ली, लेकिन आगे कबीर दास जी ने जिस राम की भक्ति की, जिसकी कबीर दास जी बात करते हैं, वो राम किसके रामानंद जी के राम से भिन्न हो गए। क्योंकि जो रामानंद जी थे वो हिंदू ढंग से भक्ति करते थे, वो सगुण और साकार राम को मानते थे, धनुर्धारी राम को मानते थे, अवतारी राम को मानते थे। लेकिन कबीरदास जी ने राम का कौन सा रूप स्वीकार किया? निर्गुण रूप। ठीक है, अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले जा सकते। मतलब जो वैष्णव संप्रदाय भगवान राम का सगुण रूप स्वीकार करता है, इनको उसके अंतर्गत नहीं रखते, क्योंकि ये उपासना जरूर राम की करते थे, इन्होंने गुरु मंत्र जरूर रामानंद जी से लिया था, लेकिन इनकी भक्ति अलग थी। इनके राम निर्गुण राम थे, सगुण नहीं थे। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। उन्होंने मतलब राम जो मंत्र था, गुरु मंत्र, वो तो रामानंद जी से लिया, लेकिन साथ में ही वो दूर दूर तक देशाटन करते थे। वो हठ योगियों और मुस्लिम जो सूफी मुसलमान फकीर होते थे, उनके भी संपर्क में आए। तो इससे क्या हुआ? इससे उनकी जो उपासना थी वो निर्गुण उपासना की ओर बढ़ गई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था, क्योंकि वो पहले रामानंद जी के सत्संग करते ही थे। तो जो स्थूल रूप का परिज्ञान उनको पहले से ही था, स्थूल रूप का, सगुण रूप का ज्ञान उनको पहले से ही था। फल ये हुआ कि जो कबीर के राम थे वो धनुर्धारी साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म का पर्याय हुए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव में भी अक्सर आता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे कूट भी पूछा जा सकता है। जिसकी वजह से जो कबीर के राम थे वो धनुर्धारी साकार सगुण राम नहीं थे, जिनका अब जो जिन्होंने अवतार लिया था, दशरथ के पुत्र जो राम थे वो कबीर के राम नहीं थे। वो किसके राम थे? वो रामानंद जी के राम थे, क्योंकि वो सगुण भक्ति के करते थे। कबीर के नाम जो ब्रह्म का पर्याय थे, वो ब्रह्म की तरह राम शब्द की उपासना करते थे। ठीक है, जो निर्गुण थे, दिखाई ना देते थे, जिनका कोई साकार रूप नहीं था। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, दशरथ सुत तिहुं ओ लोक बखाना, राम नाम का मरम ना मरम है आना। है ना, दशरथ जो दशरथ के सुत की तो तीनों लोकों में चर्चा है, पर राम नाम का जो मर्म है, जो रहस्य है, जो वाकई में मर्म है, उसको
नहीं जान सके। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं के विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया। मतलब जो ब्रह्म हिंदुओं में विचार पद्धति से ज्ञान मार्ग के की ओर ले जाता था, उसी को कबीर दास जी ने वहाँ से लिया और उसको किसके ढर्रे में डाला, सूफियों के उपासना के। जिस तरह से सूफी लोग उपासना करते थे, रहस्यवादी उपासना करते थे, उसके ढर्रे में डाल दिया, ठीक है। और उपासना का विषय ही नहीं बनाया, प्रेम का भी विषय बनाया। मतलब इसी ब्रह्म से, राम के इसी रूप से उन्होंने प्रेम भी किया, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। अब देखिए, ब्रह्म राम का स्वरूप विचार पद्धति हिंदुओं से प्राप्त की, जो उपासना का ढर्रा था वो उन्होंने सूफियों से लिया, और जो उस ब्रह्म को प्राप्त करना था उसके लिए इन्होंने क्या किया, हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्य, इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उन्होंने भारतीय जो ब्रह्मवाद था उसको लिया, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, वो रहस्यवादी करते थे प्रेमी के रूप में, मतलब बातों प्रेमी के रूप में उस ब्रह्म की कल्पना करते थे। हठ योगी किस तरह से साधनात्मक ढंग से ब्रह्म को पाने की कोशिश करते थे, इन सब को मिलाकर, और वैष्णवों से उन्होंने क्या लिया, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, इन सब को मिलाकर उन्होंने एक अपना पंथ खड़ा किया, एक अपना नया पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं, यानी उनकी सबल साखी रमैनी में जो उनकी वाणी है, यदि उसको देखा जाए तो उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यदि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण बना नहीं रह सकता है। यहाँ पे ये बताया गया कि वो वैष्णव संप्रदाय में शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उनके जो राम थे वो सगुण नहीं थे, ठीक। लेकिन यद्यपि कबीर जी की जो वाणी थी वो निर्गुण वाणी कहलाई थी, पर अगर उपासना की बात की जाए तो ब्रह्म निर्गुण नहीं बन सकते हैं। अगर ब्रह्म निर्गुण होगा तो उनकी उपासना संभव नहीं है। क्यों? सेवा सेवक भाग में स्वामी में कृपा क्षमा औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। मतलब जब आप किसी की उपासना करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सेव्य सेवक का भाव, कृपा क्षमा आदि का कहीं ना कहीं समावेश हो ही जाएगा। और निर्गुण रूप में सेव सेवक के भाव या कृपा क्षमा कैसे संभव है? इसलिए उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं रह सकते। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की सत्ता के संकेत मिलते हैं, जैसे पंडित मिथ्या करो बिचारा, ना वे सृष्टि न सृजन हारा, चेत स्वरूप काल नहीं उहवा, वचन न आई शरीरा। बहुत शोर होता है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। देखिए कब तक इस चीज से मुझे भी मुक्ति मिलती है। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धारिणी न नीरा, और कहीं सर्व बात की झलक मिलती है, जैसे आपो ही देवा आपो ही पाथी, आपो ही कुल आपो ही है नाती, और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर तोय। सारांश यह है कि कबीर के ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं। जितनी ज्ञान मार्ग की बातें हैं वो कहाँ से ली गई, हिंदू शास्त्रों से। इनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। संचय कहाँ से किया, उन्होंने हिंदू शास्त्र नहीं पढ़े थे, तो ज्ञान मार्ग में ये बातें आई कहाँ से, रामानंद जी के उपदेशों से। माया जीव ब्रह्म त्वमसी आठ मैथुन त्रिकुटी छह रूप इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद के ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते थे, मतलब उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या है उसके संबंध में वो क्या कहते थे, आइए देखते हैं। त्वम मसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा,
जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के जो कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। जो वेदांती कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार करते थे वो भी इनके वचनों में हमें दिखाई देता है। सब कुछ मिल जाता है, कबीर ने सब से ले लिया था थोड़ा थोड़ा। गहना एक कनक ते गहना, इमह भाव न दूजा, कहन सुनन दुई कार्य थापन, एक निजाम एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों की साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, जो हठ योगियों के जो साधनात्मक रहस्यवाद थे उसमें वो कुछ सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करते थे, है ना, जैसे चंद, सूर्य, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं, इनको भी लेकर कुछ रूपक बांधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं कैसे बातें उन आतंक जमाती हैं। सूर समाना चंद में, दहू किया दोहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुर बिला लेख, आकाशे मुखे औंधा कुआं पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। इस तरह की बातें जब वो करते थे तो जनता थी उस पर उनका पूरा आतंक, समझ तो आता नहीं था जनता को इतनी रहस्यमय बातें, तो बेचारी आतंकी थी हो सकती थी। नाथपंथियों की भी बातें उनको ज़्यादा समझ नहीं आती थी, बस डर था। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। जो अहिंसावाद था वो वैष्णव संप्रदाय से किसने लिया, कबीरदास जी ने, और बाद में सूफी फकीरों ने भी उसको मान्यता दी। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे, मुसलमानों में, क्योंकि उस समय हिंसा होती थी तो उसके लिए भी वो फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वे बंदगी कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं है मक, कहत हमारे बड़न किया। उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है ताको गाड़ी खाल, जो नर बकरी खाती है तिनका कौन हवाल। तो इस तरह की बातें करके वो मुसलमानों को भटकाते रहते थे, हिंदुओं को, पंडितों को, उन्होंने सबको, जिस धर्म में उनको जो कुछ गलत लगा उसके लिए उन्होंने फटकार लगाई, और जो कुछ अच्छा लगा जैसा अभी मैंने आपको बताया वो सब उन्होंने ग्रहण कर लिया। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातों कबीर ने हिंदू साधु संन्यासियों से ग्रहण की थी, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। जितनी ज्ञान मार्ग की बातें थी वो हिंदुओं से ली, और उसमें सूफियों के सत्संग से प्रेम तत्व, क्योंकि सूफी प्रेम तत्व का ही वर्णन करते थे ना, जैसे जायसी वगैरह का आप देखेंगे आगे, तो ये उन्होंने सूफी सत्संग से ग्रहण लिया और उसमें मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य रूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई, और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। जैसे आपको पहले भी बताया था वीडियो में, उस समय ये हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए शुरू से एक भक्ति की अलग पद्धति निकाली जा रही थी, खोजी जा रही थी, कहीं ना कहीं उसका पालन करते कबीर जी भी चलते चले गए। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। पढ़े लिखे भले ही नहीं थे, उन्होंने खुद अध्ययन नहीं किया था, लेकिन सत्संग से उन्होंने सीख बहुत कुछ लिया था, तो उनकी जो बातें थी वो बड़ी चुटीली और व्यंग से पूर्ण होती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जो भी गलत होता था उसका ये विरोध करते थे और असंभव और चमत्कार पूर्ण बातें करते थे, है ना। है कोई गुरु ज्ञानी जगत माँ उल्टी भेदे बूझे, पानी माँ पावक भरे अंधई आँखें सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो हरिना खायो चीता, अथवा और देख लीजिए, नैया बिच नदिया डूबी जाए,
मतलब नैया के बीच में नदियां डूबी जा रही है। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्ति द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई ना होने पर भी वाक्य वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अनुक्तियों द्वारा प्रेम, ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी, है ना। इस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या मासुक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। मतलब जिस प्रकार से आप वैष्णवों में जानते हैं कि माधुर्य भाव से उपासना करते थे, वे ईश्वर के साकार रूप में माधुर्य भाव से उपासना करते थे, और सूफी क्या करते थे, ब्रह्म को अपना प्रियतम या प्रेमी मानकर अपने जो प्रेम था, भक्ति था, उसके उद्गार प्रदर्शित करते थे। इनको दोनों को कबीरदास जी ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद। कहीं कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति भी बांधी हैं, और कहीं कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, अथवा साई के संग सासुर आई, संग ना सूती स्वाद ना जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना चार मिली लगन सुधाए, जना पांच मिली माड़ो छाए, भयो विवाह चली बिन दुल्हन, बाट जात समधी समझाए। यहाँ पर ये इनमें पूरा हिंदू उपासना की चीज लक्षित हो रहा है। ईश्वर अपने कबीर अपने श्रोताओं पर ये अच्छी तरह से भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गौरवोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने बगहर में जाकर शरीर त्याग किया, ये बहुत प्रसिद्ध बात है, जिनकी समाधि अब तक यहाँ बनी है। इनका मृत्युकाल 1575 में माना जाता है। इसके अनुसार इनकी जो आयु है वो 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 साल की थी। कबीर दास जी के जीवित रहते ही जब वो 64 साल के थे, तब उनके वाणियों का संग्रह किसने, धर्मदास ने कर लिया था, कब, 1521 में। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। कबीर की वचनावली में सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब तक पता लग पाया है, वो कब लिखी गई थी, 1561 में। कबीर वचनावली की जो सबसे पहली सबसे प्राचीन प्रति, हो सकता है और भी लिखी गई हो, लेकिन अब तक जो मिली है वो 1561 की ही मिली है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके तीन भाग किए गए हैं, रमैनी, सबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम की साधना, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज नवाज, व्रत आराधना और गौणता इत्यादि के अनेक प्रसंग है ना। इसमें मतलब ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश किसमें दिए गए हैं, साखी के भीतर है, जो दोहों में है, साखी किसमें, दोहों के में। इसकी भाषा साधुकड़ी अर्थात राजस्थानी, पंजाबी और मिली खड़ी बोली है। साखी की जो भाषा है वो साधुकड़ी है। कबीर दास जी की जो सखी थी वो भी बड़ी साधुकड़ी थी। पर रमैनी और सबद के गाने, जो गाने के पद हैं, वो काव्य भाषा की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खुसरो के गीतों की भी भाषा हम ब्रज दिखाकर आए हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो खुसरो भी बात करते थे खड़ी बोली में, लिखते थे खड़ी बोली में, लेकिन जब काव्य की, जब गीतों की बात आती थी तो वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, चलिए ये पद भी देख लेते हैं। हाँ बलि कब देखूंगी तुम्हें, अनहिस आतुर दर्शन कारिन, ऐसी व्यापी मोह, नैन तुम्हारा नैन हमारे तुमको चाहे, रतिना माने हारी।
बिरह अगिनतन अधिक चरावे ऐसी लेहूं विचार। सुनो हमारी दादी गुसाई, अब जनी करहूं अधीर, तुम धीरज मैं आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर। बहुत दिनन के बिछरे माधव, मन नहीं बांधो बांध है धीर, देह छता तुम मिलहुं कृपा करी, आरित बंत कबीर। सूर के पदों की भी यही भाषा है, है ना? भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्थ ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब भाषा उनकी परिष्कृत और परमार्जित कहाँ से होगी ये बताइए, जब वो पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने सुन सुन के जिस तरह से उन्होंने उनकी जो पंथ था कबीर पंथ ये खिचड़ी था, वैसे ही उनकी जो भाषा थी वो खिचड़ी थी, उन्होंने सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ी खिचड़ी पसंद थी कबीरदास जी को, सारी अच्छे अच्छे तत्व लेकर उन्होंने अपना पंथ बनाया था, और भाषा में भी उन्होंने जो साधुकड़ी भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी जिसको कहते हैं, उस भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो से मैं प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर देते रहिएगा। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी थैंक यू। एक बटन है लाइक की, दबा दिया करिए, कोई समस्या हो तो फिर रहने दीजिएगा, क्या कहें। आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।